कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र के बीच बढ़ता टकराव, कई जगह देखने को मिल रही वैक्सीन की शॉर्टेज की समस्या। कोरोना की वजह से भारी कर्ज जाल में देश, 90% हुआ डेट जीडीपी अनुपात। जैसे जैसे सुधरेगी अर्थव्यवस्था, कर्ज अनुपात में होगा सुधार। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए चुनावी प्रचार अपने चरम पर, हुगली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। और दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, एक गोदाम की तीसरी मंजिल पर हुई आगजनी की घटना, नुकसान का अंदाजा मुश्किल। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से हिंसा की घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुई और इसके लिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष चौधरी ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि हालांकि इस बार अब तक हुए 3 चरणों के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा की ऐसी घटनाएं कम रही और इसका श्रेय निर्वाचन आयोग को जाता है। बंगाल की ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम सब बड़े बदनसीब महसूस करते हैं कि यहां हिंदुस्तान में और 4 सूबे चुनाव में भाग ले रहे हैं, वहाँ बंगाल भी चुनाव में योगदान किए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाल की तरह हर दिन हर चरण में हिंसक घटना, खून बहाना, लोगों को जान लेना, बूथ लूट करना और खासकर उम्मीदवारों को ऊपर हमला, और वो भी हमारे महिला उम्मीदवारों के ऊपर। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को दावा किया कि उनके काफिले पर पत्थरों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वे किसी तरह से इस हमले में बच गए। इस घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जावपुर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले के सीतलगुची में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर देसी बम और ईंटों से हमला किया। कार में जिस तरफ कार में वह बैठे थे, उधर की खिड़की का शीशा टूट गया, जिसके बाद उन्हें एक ईंट भी आकर लगी। दिलीप घोष ने कहा ममता बनर्जी की सभा कैंसिल की जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरण की 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी बची 203 सीटों पर अगले 5 चरणों में चुनाव होने हैं। सूबे में अभी तक के जिन इलाकों में वोटिंग हुई, इस कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार रिंकू नास्कर ने कहा कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीतेगी और बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये आम इंसान के वोट है, यहाँ पे राजनीति जो जितना पॉलिटिकल जो लड़ाई है, इससे ज्यादा यहाँ का जो जनगण है इसका लड़ाई ज्यादा है। तो इस बार जादवपुर नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल में ही लोग, जनरल पीपल, दे आर कास्ट दे आर वोट फॉर बीजेपी। तो यहाँ का जो रिफ्यूजी है, ये सिर्फ रिफ्यूजी का नहीं है, ये पूरा माने हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो माहौल है अभी, यहाँ पर जो लोग है, जो रिफ्यूजी हो या नॉन रिफ्यूजी जो भी है,
यहाँ पर सब लोग जो भी जितने सालों से मतलब इतने दिनों से जो भी सरकार यहाँ पर था जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का उससे बहुत निराश है, क्योंकि यहाँ पे जो जो यहाँ का लोगों का जो भी डिमांड है वो हर साल वोट आते हैं और लोग डिमांड बोलते हैं लेकिन डिमांड कोई फुलफिल नहीं करता। तो इसलिए सिर्फ रिफ्यूजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट के नाम पे जो भी यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी अगर आप देखें तो कहाँ चले गए, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं आया लास्ट 20 to 25 ईयर्स, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर महिला जो है उसका भी कोई सुरक्षा नहीं है। ऑल ओवर जो इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है वो बहुत पीछे चला गया। तो इसीलिए तो ये जो प्रॉब्लम है, मैं समझती हूँ कि यहाँ का लोग जो है वेस्ट बंगाल में अब की बार जो बीजेपी सरकार यहाँ पे लाएगी। क्या साथियों की जो बांग्लादेश है जादवपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में? नहीं, जादवपुर असेंबली में बहुत आफ्टर मतलब जो बांग्लादेश में जो राइट हुआ था उसके बाद यहाँ पे जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70-80% यहाँ पर रिफ्यूजी है, ठीक है, जो लोग बहुत पहले आए हैं और अभी अभी जो आए हैं उसका डेटा बहुत कम है, जो 10 to 20,000 रिफ्यूजी यहाँ पर है जो इस हाल ही में आया है, जो एक दो साल में या 3-4-5 साल में आया है। पहले का जो रिफ्यूजी है वो लोग तो सब लोग तो रिफ्यूजी हुआ है क्योंकि उसका कारण। बंगाल में अब चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इस चरण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए मोदी और ममता को एक जैसा बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बंगाल के मुस्लिम विकास चाहते हैं, ना कि तुष्टीकरण। पीएम मोदी और ममता एक ही है। उन्होंने कहा, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि ममता ने बंगाल में दलितों को धोखा दिया। टीएमसी को लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। मैं एक सांसद के रूप में नंदीग्राम आंदोलन का हिस्सा था और उन्होंने मुझे कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन अब वह मुझे बीजेपी की बी टीम कह रही है। उन्हें गुजरात दंगों में चुप रहने के लिए कैबिनेट बर्थ के लिए सम्मानित किया गया था। अब वह मंत्र जप रही है और आरोप लगा रही है कि सब वोट के लिए नाटक है। खबरें अभी और भी हैं, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों को बढ़ता हुआ देखकर न्यूजीलैंड की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है। इसमें न्यूजीलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये पाबंदी 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए लागू होगी। न्यूजीलैंड की स्थानीय मीडिया के मुताबिक भारत से आने वाले यात्रियों में से कई लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आपको बता दें, न्यूजीलैंड में फिलहाल कोरोना के केवल 2,199 मामले हैं। इसके पहले एक वक्त पर सबसे पहले इसी देश ने खुद को कोरोना से मुक्त बताया था। हालांकि एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार सचेत हो चुकी है। देश में कोरोना महामारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ नेता राजनीति करने में व्यस्त हैं। पीएम मोदी ने आज शाम को कोरोना पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। बैठक में बंगाल का प्रतिनिधित्व चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय करेंगे। आपको बता दें, बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से ममता बनर्जी बैठक से नदारद रहेंगी। इसके पहले कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के काफी सारे नए मामले युवाओं के हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 6% पार कर गई है। इस बार कोरोना काफी तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन मौतें कम हैं। दिल्ली में अभी वैक्सीन का 4-5 दिन का स्टॉक है। इस बार देखने में ऐसा आ रहा है कि बहुत तेजी से एकदम से जो केसेस हैं वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और देखने में ये आ रहा है कि जो केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं वो यंग लोगों के काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कल आपने जो कही थी बात की सर, जताई थी कि संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो तो एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ जा सकता है, वो दिख रहा है 6% को पार कर गया। देखिए, संक्रमण दर ना कई राज्यों के अंदर, जैसे महाराष्ट्र में 25% है, छत्तीसगढ़ में 18% है, बहुत सारे राज्यों में 10% से ऊपर है, और दिल्ली में भी 6% क्रॉस कर चुका है। और देखो, पूरा देश लगभग एक ही तरह से ट्रेंड चल रहा है। शहरों में ज़्यादा है और मतलब गांव में, विलेजेज में थोड़ा कम है। तो जितने भी शहर हैं लगभग मोर और लेस एक हफ्ता आगे पीछे। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, तो अब फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस जाने की खबरें लगातार सामने आ रही है। बढ़ रही सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है, और दिल्ली, पुणे समेत अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटने लगे हैं, और इसी कड़ी में लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। जैसे ये टेस्ट वगैरह हो रहा है, इस टेस्ट को कराना तो बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में आगे कोई परेशानी क्रिएट नहीं हो किसी के साथ, और कराना ही बेहतर है टेस्ट के। अगर से कोई बात होती है, संक्रमण ऐसा है इसका कि इसको कराना सबके लिए जरूरी है, करा लें। कोई अगर से कुछ बात आती है तो अभी इमीडिएट इसका इलाज हो जाए, और ताकि कोई परेशानी किसी को आगे खड़ी ना हो, इसलिए इसका टेस्ट कराने के लिए आए। बिल्कुल ज़रूरी था जी, ये बहुत ज़रूरी था। नाइट कर्फ्यू जो लगा है अभी, ये बहुत अच्छा हुआ है, लगाना सही हुआ है इसका, ताकि इसका संक्रमण जो है वो ज़्यादा ना फैले, और फ्यूचर में जो है ना पोजीशन नज़र आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कोरोना की बीमारी है ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है। मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया है, और 2 बार मैं विदेश में भी काम कर चुका हूँ, सऊदी अरब में पहले रहता था, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे भी जो है कोविड की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है, वहाँ पे मेडिकल सर्विस जो है बहुत अच्छी है। हमारे देश में क्या है, मेडिकल सर्विस के नाम से कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे देश की जो आबादी है 135 करोड़ है, 135 करोड़ में 80 करोड़ आबादी ऐसी है जो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं पहले उनको देखा जाए, रोटी कपड़ा और मकान। नंबर 2 मेडिकल सर्विस है, उसको बढ़ाया जाए। जैसे मास्क है, आप मास्क बांटिए, सैनिटाइजर है, ठीक है, मेडिकल का इंतज़ाम कीजिए, गरीब आदमी जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर करिए। अब ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पे पिछले 13 साल से आ रहा हूँ, मेरा कानों का ऑपरेशन हुआ था 2008 में, मुझे कम सुनाई आता था, डॉक्टर बंसल ने मेरा ऑपरेशन किया। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल के लिए सूबे की योगी सरकार ने विशेष रणनीति तैयार की है। गुरुवार से फोकस कोविड वैक्सीनेशन कराने का फैसला लिया गया है। इसके तहत आज से 23 अप्रैल तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें अब कार्यस्थल पर भी टीका अभियान चलाया जाएगा। हालांकि किसी भी संस्थान में 45 साल या अधिक उम्र के 100 कर्मियों का होना अनिवार्य होगा। 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को 45 वर्ष से ऊपर के मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन उनके ऑफिस पर होगा। 45 साल से ऊपर प्रतिष्ठानों के संचालक, दुकानदारों का भी टीकाकरण होगा। 10 अप्रैल को 45 साल से ऊपर बैंक इंश्योरेंस कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। 12 से 14 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज के शिक्षकों का टीकाकरण होगा। 15 से 16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा चालक का वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भयावह होती जा रही है। हम लोग इस समय कोवैक्सीन हमारे यहाँ लग रही है, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता पहले से ज्यादा आई है, हम और जागरूक करने का प्रयास करें कि और लोग ज्यादा से ज्यादा इसको उत्सव की तरह पार्टिसिपेट करें,
वैक्सीनेशन में, क्योंकि हमारे पास विकल्प सीमित हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन ही मेरे पास अभी विकल्प है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहभागिता करें और कोई भी अफवाह या से बचें। सर, इसका रिस्पांस क्या है, जैसे वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है? हाँ। तो इसका अभी मतलब ज़्यादा पैमाने पर क्या रिस्पांस है? वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा, और कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसलिए हम लोग ये मान के नहीं चलना है कि वैक्सीनेशन एक बार हो गया तो मैं खुला छुट्टा घूमूं। तो ये गलत फहमी हमें पालना नहीं चाहिए कि वैक्सीनेशन हो गया अब हमें कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी हमें पूरी सावधानी बरतनी है। हमें मास्क जरूर लगाना है, हाथ जरूर धुलना है, 2 गज की दूरी जरूर बनानी है, भीड़ भाड़ से हमें बचना है। देश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट में विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य करने वाले की याचिका दायर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज के प्रमुख विक्रम सिंह की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब कोर्ट सिंह की मुख्य याचिका पर सुनवाई करेगी। मुख्य याचिका में सिंह ने ऐसे प्रचारकों और प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया जो कोविड 19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी, तो साथ ही सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनजर बरती जा रही सख्ती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वैक्सीन हमने परसों 544,000 लोगों को वैक्सीन लगाई, कल हमने 574,000 लोगों को वैक्सीन लगाई। हमने हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है उन्होंने परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी 11 राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों के साथ। मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो, हम 7,00,000 वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। और मैंने ये भी मांग की कि आपने 45 को तो फ्री कर दो, 18 साल का बच्चा भी लगाना चाहे, क्योंकि कोरोना जो हो रहा है अब ये दूसरी लहर आ रही, इसमें जवान बच्चे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये उम्र जो 45 साल रखी है आपने, इसको फ्री कर दो, जो लगाना चाहे टीका लगाओ, ताकि हिंदुस्तान को सुरक्षित रख सकें। तो 1,000 वेंटिलेटर भारत सरकार ने भेजे, हमने उनको लगाया, 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। जब मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग ली और ये वेंटिलेटर्स के बंद होने का इश्यू आया सामने, तब ये कहा गया कि भारत सरकार को ये जो कमी है इन वेंटिलेटर्स में उसके बारे में अवगत कराया जाए। हमने अवगत करा दिया, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर वेंटिलेटर आपने भेजा है हमने आपको धन्यवाद दिया है, लेकिन वेंटिलेटर अगर खराब आएगा हम लोगों की जिंदगी कैसे बचाएंगे भाई? वो उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आपने जो सामान भेजा है वो सामान सही नहीं है, उसको ठीक कराओ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य में रात के 8 बजे के बाद तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आम आदमी के रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है, 5 या फिर इससे ज्यादा व्यक्ति सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने जनहित को देखते हुए कई गंभीर निर्णय लिए हैं। पूरे प्रदेश में रात 8 बजे के बाद तमाम प्रतिष्ठानों को खोलने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही रात 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में लागू रहेगा। 27,000
800 कुछ लग चुके हैं और दूसरे सेकेंड डोज भी मैं समझता हूँ कि 2,78,000 लगाए जा चुके हैं। और हम लोगों ने भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत की थी और उनसे निवेदन किया है कि कम से कम हम लोगों को प्रथम डोज में 10,00,000 अभी तत्काल उपलब्ध कराया जाए और हम करीब 2,000 जगह हमने वैक्सीनेशन के लिए 2,000 जगह इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है और हम लगातार वैक्सीनेशन के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं, जांच के भी दायरे को बढ़ा रहे हैं और संभवतः आज या कल तक वैक्सीन आने की संभावना है और जैसे ही आ जाता है उसको और त्वरित गति में उसको के लाभ से लाभान्वित आमजनों को किया जाएगा जो ICMR के गाइडलाइन है। अभी के लिए पर्याप्त कैसे होगा? वैक्सीनेशन के लिए तो कम से कम 83,00,000 लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज चाहिए, तो 83,00,000 लोग का मतलब हो गया कि 83 × 2 इसका मतलब हो गया 1,60,00,000 डोज के करीब लगेगा। तो ये तो पार्ट बाई पार्ट आ रहा है और पार्ट बाई पार्ट जो है मतलब क्रमबद्ध तरीके से आ रहा है और क्रमबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। अभी तक हमारे पास जो है कुछ उपलब्ध है लेकिन कहीं कहीं पर शॉर्टेज हुई है जिसको लेके मैंने बीते हुए एक दिन पहले ही आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत भी की है और संभवतः आज मिलने की संभावना नहीं, निश्चित तौर पर वो तो आप समझ ही सकते हैं कि हर जगह जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। और जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी तो झारखंड की ऐसी अव्यवस्था थी कि झारखंड जो है सभी मोर्चों पर विफल हो गया। एक भी हमने RT-PCR मशीन लगाने का काम नहीं किया, कोई भी अस्पताल सुव्यवस्थित नहीं हुए। तो अभी भी बंगाल के चुनाव में यही बातचीत हो रही है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, बहुत लाभ होगा। डबल इंजन की सरकार बिहार में है तो क्या हो रहा है आप बताइए। तो ये तो देखिए, अब उसके बाद भी अब हम तो सौतेले बेटे हैं तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में तो सब जानते हैं। तो हम कहने को तो फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट हैं लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से कोविड के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे राज्य की उपेक्षा की गई है तो वो तो निश्चित तौर पर यही हम कह पाएंगे कि भाई हमारा जो है ये ट्राइबल और बैकवर्ड कमजोर वर्ग का राज है लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी आगे क्या दिशा निर्देश देते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। भारत के कई राज्य इस समय वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं जिसको लेकर अब प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। इस मसले पर बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। यह जो कल से बात चल रही है कई दिनों से कि यह जो कांग्रेस का, लेफ्ट का और TMC का गठजोड़ चलने की बात आ रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह आपस में दिखावे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं। केवल एक एम है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कैसे सरकार से, पश्चिम बंगाल से बाहर रखा जाए, लेकिन जनता इन्हें समझ आ गया है कि जनता अब इनके साथ नहीं है। किस तरह, चाहे पोस्ट पोल अलायंस अब ये कह रहे हैं लेकिन ऑलरेडी दे आर इन अलायंस, दे आर वर्किंग टुगेदर। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। जिन जिन कंटेनमेंट जोन, जिन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा समस्या कोविड की हो रही है, उस जगह केंद्रीय सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वह अपने टीम भेज के उसको कंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी एंटी कोविड जो वैक्सीन लग रही है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको सहयोग करने के बजाय कुछ प्रदेश जो हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, और वह खासकर महाराष्ट्र जो अपना फेलियर है उसको छुपाने के लिए
वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर टीकरा फोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जब केंद्र सरकार का इतना सहयोग मिल रहा है वैक्सीन को आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, सप्लाई करना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाना, सब तरीके से केंद्र सरकार इस कोरोना को रोक के रोकथाम के लिए प्रयासरत है। एक के बाद एक एनआईए और अब सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से ये जो सचिन वाझे की जो परतें खुल रही हैं वह स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि महाराष्ट्र अघाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस, यह अनहोली अलायंस है और यह एक्सटॉर्शन की मशीन बनी हुई थी। वहाँ पे कैसे पैसों की उड़ाई की जाए डांस बार्स में और जो इंडस्ट्रीज से कैसे पैसे उघा के वह जो शिव। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिजनौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की जानकारी सामने आ पा रही है और इसमें 5 की मौत हो चुकी है जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में बड़े हादसे की खबर जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घर के कमरे में पटाखों का ब्लास्ट हुआ जिससे दीवार फट गई और वहां पर काम कर रहे 5 मजदूरों के इस धमाके से जान चली गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता बिजनौर से अजय पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ पा रही है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ है, 5 मजदूरों की मौत बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर आपके पास अजय? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फिलहाल पुलिस की टीम पहुंच गई है, फायर की टीम पहुंच चुकी है। ये एक कमरे में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जहाँ पर कई मजदूर काम कर रहे थे और अब इसमें अचानक धमाका हुआ। धमाका होने से कई मजदूरों को वहाँ पर घायल हो गए। अब फिलहाल कई लोगों की मौत की भी खबर सामने से आ रही है और इसमें आपको बता दें जिस तरह से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, एसपी स्वयं वहां पहुंच चुके हैं और अब मामले की जांच चल रही है कि इस फैक्ट्री को किस तरह से चलाया जा रहा था। जानना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जान हथेली पर रखकर अवैध पटाखा का जो धंधा है वो लगातार जारी है, आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। बिजनौर में आबादी के बीच में चल रही थी यह पटाखा फैक्ट्री और इसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है और कई की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। मौके पर कौन कौन मौजूद है, पुलिस, जिला प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी मौजूद है, किस तरह से राहत कार्य जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदूषण की टीम भी वहाँ पहुंच गई है और आपको बता दें एसपी वहाँ खुद मौजूद हैं और पुलिस फायर की टीम भी वहाँ पूरी तरह से पहुंच चुकी है और डीएम अभी वहाँ पहुंच रहे हैं। इस मामले में 5 लोगों की जान जा चुकी है और जिस तरह से लोगों की जान गई है और इस मामले की जानकारी भी ली जा रही है कि ये फैक्ट्री जिस तरह से चल रही थी इसका लाइसेंस वगैरह था या नहीं था। ठीक है, धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक दिन में एक मकान में भयंकर विस्फोट हुआ है और यहाँ पर अवैध तरीके से घर में पटाखा निर्माण का कार्य चल रहा था। ये विस्फोट इतना भीषण था कि वहाँ पर मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया जबकि 5 मजदूरों के शव मौके से मिले हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने तेल की कीमतों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भराना किसी इम्तिहान से कम नहीं, फिर पीएम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? कांग्रेस नेता ने कहा कि खर्चा पे भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा, केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भराना किसी इम्तिहान से कम नहीं, फिर पीएम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।